दोस्तों, हर महीने की तरह हम इस महीने भी लेके आए हैं अपकमिंग मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट। दिसंबर के महीने में कई सारी बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है और हम दिसंबर में रिलीज होने वाली अपकमिंग मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट के साथ आपके सामने आए हैं। तो लिस्ट को पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनी हाइस्ट सीजन 5 नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग वेब सीरीज है। वैसे तो एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया था और इसके चारों सीजन काफी सक्सेसफुल साबित हुए थे और जिसके बाद इसके अगले सीजन की काफी डिमांड है। सितंबर के महीने में इस वेब सीरीज के पांचवें पार्ट का पार्ट 1 रिलीज हुआ था और दर्शकों ने इसे काफी पसंद किया था, मगर इसके सारे एपिसोड्स अभी रिलीज नहीं हुए थे और अब इसके पांचवें पार्ट का पार्ट 2 नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अगर आप भी इस सीरीज के फैन हैं तो आपका इंतजार भी खत्म होने वाला है। इसके पांचवें सीजन का पार्ट 2 3 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहा है। तड़प एक अपकमिंग हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे तारा सुतारिया, साथ ही नजर आएंगे सुनील शेट्टी के बेटे आहान सेठी। फिल्म एक तेलुगु फिल्म का रीमेक होगा। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मिलान लुथिया और साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म से सुनील शेट्टी को अपने बेटे से काफी उम्मीद है। फिल्म में आपको अच्छा एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा। सुनील शेट्टी अपने बेटे को अपनी तरह के एक्शन हीरो के रूप में प्रेजेंट करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उसके डेब्यू के लिए इस फिल्म को चुना, और अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डेब्यू फिल्म उनके लिए कितनी सही साबित होती है। ये फिल्म भी 3 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। बॉब विश्वास एक अपकमिंग क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे दिव्या अन्नपूर्णा जोश। बॉब विश्वास, जो कि 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी का एक कैरेक्टर है जो कि एक सीरियल किलर होता है, जिसे आपने उस फिल्म में देखा होगा और जिस पर अब एक सेपरेट मूवी बनने जा रही है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये फिल्म कहानी मूवी के यूनिवर्स की एक फिल्म होगी। फिल्म अभिषेक बच्चन कहानी मूवी के उसी किलर के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को वैसे तो बहुत पहले अनाउंस कर दिया गया था, मगर अब फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म 3 दिसंबर को Z5 पर रिलीज होने जा रही है। इनसाइड एज सीजन 3 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा वेब सीरीज है और ये भी Amazon की एक बहुत ही फेमस वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज के 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं जो कि काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। इस वेब सीरीज में लीड रोल में है विवेक ओबरॉय और ऋचा चड्ढा, और इस वेब सीरीज में लीग क्रिकेट में होने वाली ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड की सारी चीजों को दिखाया जाता है। वेब सीरीज के 3rd सीजन का काफी टाइम से इंतजार था और अब फाइनली इस वेब सीरीज के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया है। ये वेब सीरीज 3 दिसंबर को Amazon Prime पर रिलीज होने जा रही है। अरण्यक एक अपकमिंग वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज से रवीना टंडन OTT प्लेटफॉर्म पर अपना डेब्यू करने जा रही है। फिल्म में रवीना एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आएंगी। ये एक सुपर नेचुरल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होगी। वेब सीरीज में रवीना के साथ नजर आने वाले हैं आशुतोष राणा। सीरीज की कहानी में एक फॉरनर टीनेजर टूरिस्ट को दिखाया जाता है जो कि हिमालय के गांव से गायब हो जाती है, फिर उसे ढूंढने और उसका इन्वेस्टिगेशन करने आती है कस्तूरी, जिसका किरदार निभा रही है रवीना टंडन। सीरीज पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिल पर बेस्ड होगा। सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं विनय वैकुल और ये वेब सीरीज 10 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। चंडीगढ़ करे आशिकी आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर स्टार एक अपकमिंग लव स्टोरी है। फिल्म की कहानी बेस्ड होगी चंडीगढ़ के एक लड़के पर। फिल्म में आयुष्मान खुराना एक जिम ट्रेनर के रूप में नजर आएंगे। इस फिल्म में आपको खूब सारी कॉमेडी देखने को मिलेगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अभिषेक कपूर और प्रोड्यूस कर रहे हैं भूषण कुमार। आयुष्मान खुराना जिनको बेहतरीन एक्टर माना जाता है, और उनकी हर अलग फिल्म एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आती है, ऐसे में उनकी फिल्मों का काफी इंतजार होता है। इस फिल्म की अनाउंसमेंट काफी पहले हो गई थी लेकिन फिल्म के रिलीज डेट को लेकर कंफ्यूजन था, लेकिन अब फाइनली इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है। ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। विले एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे करण देओल जो कि सनी देओल के बेटे हैं, और ये उनकी दूसरी फिल्म होने वाली है। उनकी पहली फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था पल पल दिल के पास, और वो फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, और अब उनकी इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। करण के अलावा फिल्म में देखेंगे अभय देओल, साथ ही मौनी रॉय और अरण्या सिंह भी फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं अजय देवगन। हाल ही में इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और फिल्म का ट्रेलर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। पुष्पा एक अपकमिंग तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं सुकुमार। फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना। हाल ही में इस फिल्म को भी अनाउंस किया गया है। ये फिल्म तमिल तेलुगु के साथ हिंदी में भी रिलीज होगा। इस फिल्म को पैन इंडिया मूवी के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है। फिल्म में आपको अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा, और अगर आप अल्लू अर्जुन के फैन हैं और उनकी मूवीज को पसंद करते हैं तो इस फिल्म को जरूर देखें। ये फिल्म 17 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रहा है। स्पाइडरमैन नो वे होम एक अपकमिंग मार्वल मूवी है। मार्वल्स ने फाइनली इस मूवी को अनाउंस कर दिया है और ये स्पाइडरमैन मूवीज का 3rd पार्ट होगा। होमकमिंग और फार फ्रॉम होम के बाद ये अगला पार्ट है। इस फिल्म में आपको स्पाइडरमैन के साथ नजर आएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज। इस फिल्म का ट्रेलर आ गया है
जिसे देख के लग रहा है कि फिल्म पूरी तरह से थ्रिल और एक्शन से भरी है, और साथ ही फिल्म में आपको कई सारे नए कैरेक्टर भी देखने को मिलेंगे। इस फिल्म के रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, ये फिल्म 17 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। द विचर 2, द विचर जो कि नेटफ्लिक्स की बहुत ही फेमस वेब सीरीज है, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और काफी सक्सेसफुल रही थी। ये वेब सीरीज आधारित थी गेम पर और वो गेम भी बहुत फेमस था। सीरीज में लीड रोल में नजर आए थे हेनरी कैवल, फ्रेया एलन और एमन फ्रेंड। सीरीज की कहानी पूरी तरह से थ्रिल से भरी हुई है। अब हाल ही में इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन अनाउंस किया गया है, जिसे लेके फैंस काफी एक्साइटेड हैं। द विचर पार्ट 2 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इट्स अ डेंजरस प्लेस बट यू कैन फाइंड पावर एंड पर्पस। डीकपल्ड एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे आर माधवन। सीरीज की कहानी एक हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन पर बेस्ड होगी। सीरीज में माधवन के साथ नजर आएंगे सुरविन चावला। सीरीज में माधवन आर्या अय्यर के रूप में नजर आएंगे, जो कि एक राइटर होता है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है। सीरीज में आपको एक आदमी कहानी दिखेगी जिसकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। कहानी में अच्छी कॉमेडी और इमोशन देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं हार्दिक मेहता और ये सीरीज 17 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। द मैट्रिक्स जो कि एक बहुत ही फेमस मूवी सीरीज है, और अब इस मूवी सीरीज का चौथा पार्ट रिलीज होने जा रहा है। ये एक साइंस फिक्शन मूवी होगी। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं लेना वचेस्की। फिल्म में लीड रोल में दिखेंगे कियानू रीव्स, जो कि एक बार फिर नियो के किरदार में दिखेंगे। फिल्म में आपको फिर एक बार लाजवाब एक्शन देखने को मिलेगा। साथ ही इस बार भी फिल्म की कहानी पूरी तरह से थ्रिल से भरपूर होगी। फिल्म 22 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। मिनाल मुरली एक अपकमिंग मलयालम सुपर हीरो मूवी है, जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं बसीन जोसेफ। वैसे तो ये फिल्म 2020 में थिएटर्स में रिलीज होने वाली थी, मगर कोविड के चलते नहीं हुई, और अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। कहानी एक आम आदमी की, जो कि टेलर होता है, जो कि अचानक कुछ सुपर पावर्स गेन कर लेता है और जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। फिल्म का कॉन्सेप्ट आपको काफी पसंद आ सकता है, और ये फिल्म 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। 83 एक अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी है। फिल्म काफी समय से काफी चर्चाओं में है और इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। ये फिल्म 1983 में इंडिया के वर्ल्ड कप विनिंग टीम पर आधारित होगा। फिल्म में लीड रोल में देखेंगे रणवीर सिंह, जो कि कपिल देव की भूमिका में नजर आएंगे। साथ ही फिल्म में दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी, एमी विर्क, हैरी संधू जैसे कई किरदार इस फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म में 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सारे मेंबर्स को और उनकी पूरी कहानी को दिखाया जाएगा। हमें से ज्यादातर लोग उस समय की बहुत कम चीजों को ही जानते हैं, तो ये फिल्म हमें मदद करेगा उस समय की कंडीशन को समझने में। ये फिल्म काफी समय से डिले हो रही है, लेकिन हाल ही में अनाउंस हुआ है कि ये फिल्म 24 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। जर्सी 2019 में रिलीज हुई एक तेलुगु स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी थी, और फिल्म की कहानी एक क्रिकेटर की लाइफ पर बेस्ड थी। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक बनने जा रहा है, जिसमें लीड रोल में देखेंगे शाहिद कपूर। फिल्म की कहानी लगभग सिमिलर होगी, लेकिन फिल्म में आपको थोड़ा बॉलीवुड तड़का भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा फिल्म में आपको पंकज कपूर भी दिखेंगे। शाहिद कपूर की लास्ट फिल्म काफी सक्सेसफुल रही थी, जिसके चलते उनकी इस फिल्म से काफी उम्मीद है। फिल्म के लिए शाहिद कपूर काफी मेहनत करते हुए दिखे थे। ये फिल्म भी कोविड के चलते काफी डिले हुई है, और अब हाल ही में खबरें आई हैं कि ये फिल्म 31 दिसंबर को थिएटर्स पर रिलीज हो सकती है। रिलीज डेट पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। तो दोस्तों, इन सभी मूवीज और वेब सीरीज में से आप किस मूवी और वेब सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।